नमस्कार, मैं सरेश अली, पब्लिक टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के दिन की कुछ खास खबरों की। रविवार को नवीन नगर स्थित मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुरादाबाद के नवीन नगर स्थित मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारी संख्या में वरिष्ठ लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे तथा अपने विचारों को जाहिर किया। सभी में एक अलग ही उत्साह था, सभी ने अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त किए। आयोजित कार्यक्रम में बहुत सी नई जानकारियां एक दूसरे को दी गई और अपने दिल की बात एक दूसरे से करने का सभी को मौका मिला। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया था। किसी चीज के ऊपर मीटिंग नहीं होती, बल्कि हर बार एक नया सब्जेक्ट होता है। जैसे आध्यात्मिक सब्जेक्ट लेते हैं अधिकतर, या जो करंट हमारे समाज के अंदर विकृतियां फैली हुई हैं उसके बारे में बात होती है। तो आज सीओ सिविल लाइन के आने का भी था, आज उनका भी लेक्चर था, इसमें वो किसी वजह से लेट हो गए। तो आज का विषय चल रहा है ओम का, ओम का क्या अर्थ है और इससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आज चर्चा हूँ। बाकी थोड़ा एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी करते हैं, जैसे बीच में कोई भजन का शौकीन है तो वो भजन सुनाता है, किसी को चुटकुले आते हैं तो वो चुटकुले सुनाता है, ऐसे करके एक आध्यात्मिक संगठन और रिक्रिएशन का भी एक साधन। तो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, पहला तो ऐसे लोगों को मानसिक के लिए पहले नंबर पे मेडिसिन होती है और सेकंड नंबर पे जो हमारी आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं, जैसे ध्यान की क्रिया है या सत्संग में जाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, क्योंकि हमारा जितना भी स्रोत है, जो शक्ति का स्रोत है, हम लोग मानते हैं कि रोटी खाएंगे तो ताकत आएगी या दवाई खाएंगे तो हमें ताकत आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा मनुष्य जाति का जो वास्तविक स्रोत है वो है ईश्वर। जब तक हम ईश्वर के सानिध्य में नहीं जाते, जब तक हम उसका चिंतन मनन नहीं करते, तब तक हमें आनंद मिल ही नहीं सकता, हमारी मानसिक स्थिति उससे पहले सुधरी नहीं। महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस। आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता। छुआछूत के विषय पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के तत्वाधान में जिगर कॉलोनी स्थित छतरी वाले पार्क में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा भी की गई। भावादस का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें दलित समाज से छुआछूत का मुद्दा गहनता से उठा। दलित समाज के वक्ताओं ने स्वर समाज के लोगों को दलितों से छुआछूत कर अपमानित करने की बात कही। सभी का कहना था कि इसी वजह से दलित समाज को धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होना पड़ता है। कभी दलितों के बाल नहीं काटने दिए जाते हैं तो कहीं पानी पीने की दुकानों पर सामान नहीं बेचा जाता। छुआछूत की बीमारी से लोगों को निजात दिलाने और दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए भवादस के द्वारा बिगुल फूंका गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में पानी के स्रोतों पर स्नान कर उन्हें अछूत किया जाएगा। विरोध की शुरुआत मुरादाबाद से प्रारंभ होकर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में बारी बारी से चलाया जाएगा।
इस सम्मेलन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय निर्देशक लल्ला बाबू, दिलवीर रंजीत सिंह, काका आदेश कुमार, एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का जिला सम्मेलन है। इस सम्मेलन का पर्पज है कि जो हमारे गांव ग्रामों में लोगों को नलों से पानी नहीं पीने दिया जाता, लोगों को कुओं पर नहीं जगह चढ़ने देते, लोगों को अभी ललितपुर एक गांव की घटना है कि स्वर्ण जाति के घरों के सामने से चप्पलें उतार के जाना पड़ता है दलितों को। ऐसी उत्तर प्रदेश में अनेकों घटना हो रही है, अभी हुई है कई जगह पर, तो उसके उस पर हमें यहाँ चिंतन करना है कि हमें छुआछूत को कैसे मिटाना है। क्योंकि कोई गवर्नमेंट कोई पार्टी नहीं मिटाएगी, उन्हें तो वोट चाहिए। ये जो भी कुछ करना है हम उनको करना है, और पुलिस से अगर हम लोग कहते हैं, रिपोर्टें हमारी दर्ज हो जाती है लेकिन पुलिस उसे आगे चल के पैसा लेके इस पंच कर देती है। अभी भोजपुर थाने के कई दो तहरीरें इस पंच कर दी, और उगैती थाने की कर दी, इस्लाम नगर थाने की कर दी। तो ये छुआछूत खत्म कैसे हो, उसके लिए आज हमें निर्णय लेना है। महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस, आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद के तत्वाधान में उपाध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने केक काटकर सबको बधाई दी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर सोनिया गांधी का 72वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह द्वारा बताया गया कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस कमेटी की कमान एक ऐसी स्थिति में संभाली थी जब कांग्रेस एक तरह से समाप्ति की ओर बढ़ चली थी। कोई भी कांग्रेस की लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, जिसे सोनिया गांधी ने अपने हाथों में लिया और बाखूबी उसको एक शिखर तक पहुंचाया। कांग्रेस जिस तरह से प्रगति की ओर चल रही थी, उसी तरह से सोनिया गांधी के निर्देशों पर जो भी कार्य किए गए उसमें कांग्रेस ने अपना स्वर्णिम इतिहास देखा और आगे भी इसी तरह से काम करती रहेगी। जिला कमेटी के सदस्यों ने सोनिया गांधी की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सोनिया गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया और सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को वापस उसी स्थान पर लाने की मेहनत के लिए प्रेरित भी किया। आज कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हमारी पार्टी की सर्वमान्यता माननीय सोनिया गांधी जी का 72वां जन्मदिन हम सब कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के लोग केक काट कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। माननीय सोनिया गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कमान उस विषम परिस्थिति में संभाली थी जब कांग्रेस एक तरह से कोमे में चली गई थी। कोई भी लीडरशिप लेने को तैयार नहीं था, कार्यकर्ता मायूस था, कांग्रेस हाशिए पे थी और नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सही पूछो पूर्ण रूप से दफन हो चुकी थी। उस दशा में माननीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली और कांग्रेस को ऐसा नेतृत्व दिया जिसकी मिसाल हम लोग देख सकते हैं। 10 साल तक 2004 से लेकर 2014 तक
मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की ही काबिलियत थी कि उन्होंने सफल पूर्वक देश का संचालन किया और कांग्रेस मजबूत हुई। आज हम सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं और जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद सब लोग पेश करते हैं कि उनका वो दीर्घायु हो और भविष्य में इसी तरीके जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उस पार्टी की सेवा की उसी तरीके से हमारी हम सब की आज भी अपेक्षा रखते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देते हुए कांग्रेस की उसी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता।